शिबाइनो का प्राइस अभी बहुत ही ज़्यादा बुलिश चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ भी है कि यहाँ पे क्लेम बहुत ज़्यादा होगा। क्लेम यानी कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट बनने वाला है सभी इन्वेस्टर्स का। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं इस प्राइस पॉइंट की जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, जिससे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनेगा। तो एक्चुअल में अभी शिबा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रहा है एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉइन्स, क्योंकि जो अक्टूबर है वैसे तो अक्टूबर होना चाहिए था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा बेरिश होने की वजह से जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उस तरीके से अभी एक रैली नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन शिबा में एक बहुत ही पॉजिटिविटी दिख रही है। और इसके पीछे बाकी रीजंस भी है, जैसे कि आप बिटकॉइन देख सकते हो 65,000-66,000 डॉलर तक गया है आज के दिन, और इथेरियम भी 2600 डॉलर को क्रॉस कर चुका है। इसी के साथ साथ बाकी कॉइन्स भी अभी बहुत सही तरीके से चल रहे हैं, जो कि अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं। तो वीडियो पूरा देखते रहना, अगर आपके पास भी शिबा इनू है एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने शिबा इनूस होल्ड किए हुए हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, वॉफ्ट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैं सारी अपडेट सबसे पहले डालता हूं। तो अभी जो वेल्स की एक्टिविटी है बढ़ना शुरू हो चुकी है शिबा इनू में, लगभग 66 मिलियन डॉलर की अभी ट्रांजेक्शन हुई है शिबा इनू की। तो एक यहाँ पे इंडिकेटर है मार्केट वैल्यू टू रियलाइज्ड वैल्यू रेशियो, जिसको MVRV बोला जाता है, तो ये 0.89 से 0.96 तक पहुँच चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे होल्डिंग्स और भी ज़्यादा करी जा रही हैं इंस्टेड ऑफ सेलिंग, यानी कि जो वेल्स हैं होल्डिंग्स ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सेलिंग करते तो मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती शिबा इनू की। लेकिन अभी उल्टा दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है हम सभी के लिए, कि यहाँ पे होल्डिंग्स बनाई जा रही हैं शिबा इनू की और इसको अभी सेल नहीं किया जा रहा। अभी सेल नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब ये भी है कि इसको एक बहुत अच्छे प्राइस पर सेल किया जाएगा, जिस प्राइस की हम सभी वेट कर रहे हैं। करंटली शिबा इनू का प्राइस जिस पॉइंट पर चल रहा है, जो कि है 0.4018 के आसपास, तो इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 100% का प्रॉफिट हमें यहीं से मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से वैल्यू जाएगी 0.4038 जो कि लगभग 100% का प्रॉफिट बनता है सीधा सीधा। अब यही रैली अगर और भी ज़्यादा आगे बढ़ती है, यानी कि अगर एक जीरो कट हो जाती है, अगर इसका प्राइस 0.00075 या फिर उसके बाद 0.0075 तक जाता है, तो इससे क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा आने वाली है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर BTC एक बहुत लंबी रैली लेते हैं, जिससे क्या है कि ऑल्ट कॉइन्स में भी हमें एक बड़ी स्पाइक देखने को मिल सकती है। और इसमें मैं खासकर मीम कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, जो कि एक अलग से कैटेगरी है। तो वेल्स यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 0.00075 डॉलर तक जाएगा, और अगर ये प्राइस पॉइंट रीच हो जाता है तो $1 मिलियन क्लेम होगा मार्केट से, यानी कि 1.3 बिलियन टोकन्स को सेल किया जाएगा, जिनकी करंटली जो वर्थ है वो 23,000 डॉलर के आसपास है, लेकिन ये 1 मिलियन डॉलर तक चली जाएगी। और ये रियल में ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें करी जा रही हैं, बल्कि जो होल्डिंग्स बनी हुई हैं इन्वेस्टर्स की वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए बनी हुई है कि यहाँ पे जैसे जीरो कट होगा तो 1 मिलियन, 5 मिलियन या फिर 10 मिलियन तक की बुकिंग होने वाली है, यानी कि इतने ज़्यादा डॉलर्स की बुकिंग होने वाली है, इतना बड़ा प्रॉफिट बनने वाला है। और अगर हम यहाँ पॉजिटिविटी देखें तो पॉजिटिव सबसे ज़्यादा चीज़ यही दिख रही है कि जो शिबा का बर्न रेट है वो 14,570% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये सिर्फ एक दिन के अंदर ही हुआ है, यानी कि सिर्फ आज के दिन ही हुआ है। इसका मतलब ये कि जो टोटल नंबर ऑफ टोकन्स रिमूव किए गए वो 280 मिलियन शिबा इनूज हैं, यानी कि इतना बड़ा अमाउंट मार्केट से रिमूव किया गया है। लगातार जो शिबा की सप्लाई है इसको बर्न किया जा रहा है, हटाया जा रहा है सर्कुलेशन सप्लाई से, जिसकी वजह से प्राइस भी बढ़ रहा है। यही कारण है कि वेल्स की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो जो सतोशी कसामा है उन्होंने वार्निंग दी है फेक $1 बिलियन शिबा वॉलेट क्लेम्स की। तो ये जो वार्निंग दी गई है सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे वॉलेट्स क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास $1 बिलियन के शिबा इनूस पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। तो इन्होंने बोला कि ये सिर्फ फेक ही है, यानी कि ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है, क्योंकि अगर किसी वेल के पास इतना बड़ा अमाउंट होगा तो पूरी के पूरी मार्केट को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी ले जा सकता है और अपने प्रॉफिट्स बना सकता है, जिससे बाकी जो शिबा के होल्डर्स हैं उनको लॉस हो सकता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। ओवरऑल हमने अगर देखा यहाँ पे जो शिब का बर्न बढ़ रहा है इसकी वजह से प्राइस भी बढ़ने वाला है, और जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे अगर एक जीरो भी कम हो जाती है एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। आपके क्या मानना शिबा इनू के बारे में नीचे कमेंट जरूर करें। किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, एनालिसिस चाहिए हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। उम्मीद आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।